स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। मैं डायरेक्ट सेलर हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। आज के डेट में MLM के नाम पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, तो मैं आपको आज कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कौन सी कंपनी करना चाहिए। कोई भी कंपनी करे तो जो है उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी है, जाने डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, जिसको आप देख के सुन के और समझ के आप अपनी जिंदगी को अपने सुनहरा बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं, अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के बात आपको क्या है कि हर वीक उसके जो ट्रेनिंग है, वीकली कम से कम एक दिन का ट्रेनिंग, एक दिन का सेमिनार होता है, उसको जरूर अटेंड करना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी है, मैं रेनेटस वेलनेस करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है सक्सेस आई का, वहाँ पे डेली हर एवरी फ्राइडे 3 बजे से 5 बजे तक मीटिंग ट्रेनिंग हम लोग करते हैं न्यू एसोसिएट के लिए। तो ट्रेनिंग हमारा होता है और सेमिनार एवरी संडे जो 12:10 से 2 बजे तक एवरी संडे सेमिनार होता है, जो प्रोडक्ट का बिजनेस की जानकारी हम डिटेल में देते हैं। तो वीकली 2 मीटिंग कम से कम जरूरी है आपको। जो है जूम मीटिंग में भी आप ट्रेनिंग दिया जाता है, डेली होता है ट्रेनिंग हमारा। और आगे जो हम कंपनी करने के लिए, कौन सी कंपनी हमें करना चाहिए, ये जानने के लिए हमें उस कंपनी को करना चाहिए जो कंपनी जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं देती है। बहुत सारे लोग जो है वैसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं जो ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में चले जाते हैं और जाकर नुकसान होता है कि वो कंपनियां फ्रॉड होती है, आगे जाके वो बंद हो जाती है और बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। तो जेन्युइन कंपनी हो वही करना चाहिए। और जितनी भी फ्रॉड कंपनियां हैं, मनी स्कीम है, लॉन्ड्री सिस्टम है और भागने वाली कंपनियां होती है, वो जो है MLM के नाम पे काम करती है। वो लिखती है कि हम MLM है। MLM के लिए गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया। क्यों नहीं वो MLM लिखती है? क्योंकि MLM के लिए गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया। गवर्नमेंट ने MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने गाइडलाइन जारी किया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और डायरेक्ट सेलिंग जो है जेन्युइन एक ऑथराइज ऑथेंटिकेटेड बिजनेस है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग में एक ऊंचाई को लोग छू रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो पूरे इंडिया को जो है बेरोजगारी मुक्त कर सकता है। पूरा इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, उसको सॉल्व कर सकता है। तो हमें MLM नहीं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग मीटिंग में यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखते हैं, हर आदमी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर दिखता है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशन के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये किसी के काम नहीं आता है। पूरे दिन आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे मोटिवेशन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मोटिवेशन चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, जो अंदर से दिल से मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ एक्साइटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। वही आदमी जिंदगी में सफल हो सकता है या कुछ काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो मोटिवेशन जो है सेल्फ होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में या MLM में जो है पहले ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ। क्यों बोलते हैं वो लिस्ट बनाओ? क्योंकि लिस्ट बनाते हैं आप किसका? अपने नियर डियर रिलेटिव, भाई बंधु, अड़ोसी पड़ोसी, जो खास लोग होते हैं, और उनको जाकर जबरदस्ती MLM समझाते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं कि ये कंपनी ज्वाइन करो। नहीं ज्वाइन करता है तो उससे नाराज हो जाता है, उससे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उससे कट्टी हो जाती है। तो ये जो है हमारे रिश्ते खराब करने का और MLM को बदनाम करने का एक लिस्ट जो है बहुत बड़ा कारण है। तो लिस्ट के मैं खिलाफ हूँ, लिस्ट भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस कौन सी कंपनी करना चाहिए ये सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी करने के लिए करने लायक है, इसको जांचने के लिए सही तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि किसी कंपनी के जो है प्रोडक्ट लीजिए और 50 लोगों के पास जाइए, बिना प्लान दिखाए, बिना अपॉर्चुनिटी दिखाए, बिना उसका सिस्टम बताए, आप 50 लोगों को केवल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और 50 में 10 लोग भी 10% जो लोग 20% लोग यदि वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं, 10 लोग ले लेते हैं, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ज्वाइन करने लायक वो कंपनी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जो है नेक्स्ट पॉइंट में, बहुत सारी कंपनियां जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, बहुत ज्यादा पैसे देती है, जो मनी स्कीम होती है, जो लॉन्ड्री सिस्टम होता है, जो पोंजी स्कीम होती है, जो मनी रोटेशन होता है, जो ऑनलाइन कंपनियां होती है जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो ऐसी कंपनी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो है वैसी कंपनी को करना चाहिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो, वैल्यू फॉर मनी हो, जिसको देखते ही बिना बिजनेस प्लान के, बिना
जो है अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बिना कोई लालच में आए वो प्रोडक्ट को लोग ले और यूज करें, तो प्रोडक्ट आपका जो लोग लेने यूज करेंगे तो बिजनेस तो आपका ऐसे ही चलेगा, आपको लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए सोशल मीडिया पे, और अजनबी लोग जो स्ट्रेंजर है अजनबियों में बिजनेस कीजिए, और कहा भी जाता है कि अजनबी स्ट्रेंजर बिजनेस ही आपको जो है आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे और आप बढ़िया से काम करेंगे, और रियल में जो ऑथेंटिकेटेड जो है सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके और बिल्कुल डुप्लीकेट करके आपके साथ जो है सही तरीके से काम करते हुए स्ट्रेंजर होते हैं, जो आपको ऊंचाई के ले जाते हैं वो स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं, तो फिर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत। जो अजनबी लोगों के साथ बिजनेस करें, बिजनेस अजनबी के साथ ही होता है। बाकी सब किसी बिजनेस में हम थोड़े अपने रिलेटिव के पास ही जाते हैं, कोई दुकान खोले तो रिलेटिव के पास जाता है क्या, और उसी पड़ोसी के पास जाता है क्या कि मेरा प्रोडक्ट ले लो मेरा ये सामान ले लो, नहीं लेता तो उससे नाराज हो जाता है, झगड़ा करते हैं या उस पर प्रेशर डालते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो उसी तरह जो है ये भी एक तरह का बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक इंडस्ट्री है। आज जो डायरेक्ट सेलिंग है बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, और मैं बिजनेस तो इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये प्रोफेशन है, एक इंडस्ट्री है। जैसे डॉक्टर होता है, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी प्रैक्टिस हो जाए, कितना भी इनकम पहुंच जाए, वो हमेशा अपने आप को डॉक्टर ही बोलता है, इंजीनियर अपने आप को इंजीनियर बोलता है, वकील आपको वकील ही बोलता है, जो है जो भी प्रोफेशनल है वो मैकेनिक अपने आप को मैकेनिक ही बोलता है, वो कभी आपको और दूसरा चीज अपना रैंक अपना रुतबा नहीं बदलाता। तो यहाँ पे भी जो है हम अपना दूसरी चीजों पे ना फोकस करके हम एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बढ़िया जो सबसे यूनिक चीज है वो है प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट यूनिक है, प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, अपने आप काम करेंगे। यदि रिजल्ट आएगा तो अपने आप डुप्लीकेसी होगा, अपने आप जो है आगे बढ़ेगा काम, थोड़ा सा आपको सीख के काम करने की जरूरत है। तो मैं आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, मौका है हमारे पास रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, इसका एक ही प्रोडक्ट है, ऐसा यूनिक है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है, इतना जबरदस्त है कि जो है हर तरह के क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट करता है। दोस्तों ये जो है जितना भी क्रोनिक डिजीज है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप जो है इसमें, रेनेटस वेलनेस में जुड़ के हर तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। इम्यून पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है, आपको सेफ करता है। भाई साहब आप बीमार हो भी गए तो बीमारियों से भी आपको जो है रिकवर होने में, इलाज में या उसको क्योर होने में आपको काफी हद तक मदद करता है, और 600 से ज्यादा बीमारियों में आपको क्योर होने में, ठीक होने में मदद करता है, ट्रीटमेंट में मदद करता है, और बहुत सारे लोग यहाँ ठीक भी हो रहे हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। प्रोडक्ट का इतना बढ़िया रिजल्ट है कि काम तो अपने आप होता है, बिजनेस तो अपने आप है, और कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज 2 साल में बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं, मिलेनियर मिलेनियर तक बन चुके हैं, बहुत अच्छे इनकम पे जा रहा है। तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है 8087645370, 8087645370। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।